दूसरे को पिलावे तो भी छान के पिलावे और दूसरे कार्य में भी पानी छान के काम करे। सर क्यों करें ऐसा? यदि सीधे अंचने पानी को उपयोग में ले लें तो उससे क्या नुकसान? इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक काम और आदमी आ गया, पहले तो घर के बहुत काम रहते हैं, एक काम और आ गया माथे, क्या जरूरत है इसकी? न यदि छाने और सीधे अंचने पानी को उपयोग में ले तो उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान ये है कि उससे जीव इंसान को देती है। कौन से जीवों की इंसान की त्रस की स्थावर? अपन जो पानी छानते हैं, पानी छानने में अपना प्रयोजन त्रस जीवों की रक्षा का है कि स्थावर जीवों की रक्षा का? पानी छानते ना अपन तो उससे एक इंद्रिय जीव की रक्षा होती है कि दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव? त्रस स्थावर में तो अंतर मालूम है, त्रस किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय को त्रस नहीं कहते, एक इंद्रिय स्थावर कहते हैं, तो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय को त्रस कहते हैं। तो अपन पानी जो छान रहे हैं तो उससे त्रस जीव जो है वो बच रहे हैं कि स्थावर बच रहे हैं? मतलब अपन ने कपड़े से छाना तो कपड़े में कौन से जीव नहीं जा रहे, मतलब पानी तो निकल रहा है, जो बच रहे हैं वो अनछने पानी में वो त्रस बच रहे हैं। मतलब पूरा जो छने पानी का कॉन्सेप्ट है वो त्रस जीवों की रक्षार्थ है, उसमें स्थावर जीवों से कोई प्रयोग नहीं। तो पानी छानने के बाद में स्थावर जीव आते हैं, क्योंकि हम लोग जो है त्रस हिंसा में ज़्यादा दोष मानते हैं। अपने दो प्रकार के अभक्ष बताए जीव हिंसा से संबंधित, एक तो है त्रस घात और एक है बहुघात। क्या अंतर इन दोनों में? त्रस घात में त्रस जीवों की हिंसा, जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों की हिंसा हो ऐसे पदार्थ त्रस घात कहे जाते हैं। त्रस तो एक भी नहीं चलेगा, एक भी त्रस की हिंसा अपने को मंजूर नहीं। तो कोई भी चीज है उसमें यदि त्रस की हिंसा हो रही है, त्रस घात है, तो अभक्ष। दूसरा स्थावर, तो स्थावर जीवों की हिंसा से अपन सर्वथा बच ही नहीं सकते। जल अपने को अपने जीवन में चाहिए, अग्नि जलाना जरूरी है, वायु वगैरह भी अपने को अपन सांस लेते ही हैं, वनस्पति जो है सर्वथा छोड़ने में असमर्थ है तो वनस्पति का भी उपयोग करते हैं, तो ये अशक्य हमारे लिए त्याग। तो इसमें हम इतनी सावधानी रखते हैं कि जिन पदार्थों में अनंत स्थावर जीवों की हिंसा न हो ऐसी वस्तुओं का सेवन करें। मैंने वनस्पति में भी जिसमें अनंत स्थावर जीवों की हिंसा होगी ऐसी वनस्पति को हम छोड़ दें। तो स्थावर में हम अनंत का ध्यान रखेंगे और त्रस में हम एक एक का ध्यान रखेंगे। यही बात ध्यान में, स्थावर एक एक का ध्यान रखना संभव नहीं, अनंत का ध्यान रखना संभव। तो इसलिए जिन पदार्थों में अनंत स्थावर जीव पाए जाते हैं उन पदार्थों का हम त्याग कर देते हैं, और जिनमें अनंत नहीं पाए जाए, असंख्यात पाए जाए, संख्यात पाए जाए, उनका हम सर्वथा त्याग करने में समर्थ नहीं, वो अशक्य, श्रावक के लिए अशक्य। श्रावक जो कर सकता है वो त्रस जीवों की हिंसा का सर्वथा त्याग कर सकता है, उससे उसके जीवन को कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, उसका जीवन चल जाएगा। क्योंकि स्थावर जीवों की हिंसा से वो सर्वथा बच नहीं सकता, स्थावर जीवों की हिंसा भी छोड़ देगा तो उसको मुनिराज बनना, मुनिराज त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। सांस लेते कौन मुनिराज? वो कोई हिंसा करनी है तो पंखा जलाया पड़ता है, जो अशक्य है उसकी बात नहीं है, जो शक्य है उसकी बात है। पंखा जलाया ना अपन ने, पंखा जलाने में अपन ने जरूर वायु का ही जीव की हिंसा की, लेकिन ये जो सांस लेना है इसमें भी प्रयोजन हिंसा का नहीं है, तो ऐसे तो त्रस की भी होती है। ऐसे हिंसा की बात करो तो सूक्ष्म जो त्रस है वो भी पूरे लोक में ठसा ठस पाए जाते हैं, तो चलते हैं चार आलाकी की जमीन देखकर, तो वो लोक में स्थूल पने जिसे त्रस कहा जाता है वो उसकी हिंसा डालते हैं। क्या चरणानियोग जो होता है वो लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से कथन करता है, मैंने लोक में जिसका नाम त्रस है उसकी हिंसा से वो बचाता है। सामने आप चल के देख, सामने आप जा रहे हो, ये छोटी छोटी चीड़ी चीटियाँ हैं, मकोड़े हैं, पूरी दुनिया को दिखते हैं कि ये, तो इनके लिए कहा कि भाई सामने आप देख के चलो,
अब वो छोटा जीव जो आंखों से भी नहीं दिखाई दे सकता तो उसकी रक्षा बनेगी कैसे, फिर तो चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। तो वो चढ़ना नहीं हो तो वही कहता है जो प्रैक्टिकली संभव है। मैंने वहाँ जो 1357 जीवों की हिंसा का त्याग कहा है तो लोक में जिसे 1357 कहा जाता है उसकी हिंसा का वो त्याग करा, समझना है। ऐसे तो त्रस जीव उनकी छोटी अवगाना होती, अरे अवधि ज्ञानी मुदिराज हो, अवधि ज्ञान से जानते हैं कि ये त्रस जीव है, और इस बार मार्ग में त्रस जीव है उनकी हिंसा होगी, जानते हैं अवधि ज्ञान से, लेकिन वो हिंसा कर ही नहीं सकती ना। वो तो लोक में जिसको त्रस कहते हैं, आप कह दो कि अरे मुदिराज ये सामने चल रहे हैं, ये चीटी चल रही है, मकोड़ा चल रहा है, जिसको दुनिया त्रस कहती है वो उस त्रस हिंसा के त्यागी है। ऐसे जिसको हम इच्छा और हिंसा कहते हैं, पृथ्वी खोदना, जल ढोलना, जल उपयोग में लेना, अग्नि जलाना, वायु का चलाना, वनस्पति छेदन वेदन करना, तो इसलिए स्थावर जीव में अपन किसके त्यागी हैं, अनंत जीव जिसमें होते हैं। अब वो ऐसी चीजें क्या है, ये सारे जमीकंद जो हैं, वो सारे जमीकंद आते हैं भूभाग में, यानी उनमें एक दो स्थावर नहीं, उनमें कितने स्थावर का घात होता है, अनंत होगा, वो अनंत स्थावर है। इसलिए अनंत स्थावर होने से उसको अभक्ष में रखा है, और यहाँ त्रस घात में तो चाहे एक भी त्रस की हिंसा हो वो अभक्ष। तो अनचने पानी में जो घात है वो एक्चुअल में मूल में त्रस जीवों का घात है, क्योंकि उसमें जो छोटे मोटे जो जीव हैं अपने आंखों से न भी दिखे, माइक्रोस्कोप से जो दिखने वाले जीव हैं उन सबकी हिंसा उसमें होती है, असंख्यात जीव, और हम उसको कर सकते हैं, उसकी छान को उपयोग में ले सकते हैं। अभी कई लोग कहते हैं कि सर कि कितने एक अनछने पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं, कितने जीव होते हैं एक अनछने पानी की बूंद में, कितने 36,450 जीव एक अनछने पानी की बूंद में होते हैं, ऐसा अधिकांश लोगों का मानना है। अरे भाई 36,450 तो देखे गए हैं, मैंने आपके माइक्रोस्कोप में इतने देख लिए हैं, इसका मतलब इतने ही एक बात, उसमें जीव तो असंख्यात है, जो त्रस जीव है वो असंख्यात है, 36,450 नहीं। तो हम जो छान रहे हैं वो असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए छान रहे हैं। क्या कितने जीव की हिंसा है उसमें, असंख्यात त्रस हो, तो हमने जो छाना है वो असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए छाना। और इसलिए अपन ने कहा कि ये जो पानी अपन अंचना उपयोग भी करते हैं, अंचना पानी ढोलते भी, तो वह असंख्या त्रस जीवों की उसमें हिंसा होती है। अब ये तो अपन ने इसके उपयोग की बात करी, दूसरी बात ये है कि इसके जो ये अंचना पानी जो पिया वगैरह जाता है, तो वो अंचने पानी के पीने से अपना जो शरीर है वो शरीर में भी अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मैंने कहा सेकेंडरी कि अंचना पानी विज्ञान की दृष्टि से भी देखो तो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसके पीने से अनेक रोग होते हैं। पानी एक तो पहले तो पूरा छाना जाए, और छानने के बाद में वो 48 मिनट के अंदर अंदर उपयोग ले लिया जाए। छने पानी की मर्यादा अंतर्मुहूर्त की होती है, कितनी होती है उसकी मर्यादा, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त बाद वो पानी अनछने के समान। अरे लोग एक बार छान लिया सुबह हो गया अपना काम करना, बस छन गया, अब दिन भर हम क्यों बोले सुबह एक साथ छान लेते हैं, छान भी खा लेते हैं खेल, फिर छानने की पद्धति जो हो सो जाओ, लेकिन जो छानते भी हैं तो पानी एक बार छान लेते हैं सुबह, और फिर ये मान लिया जाता है कि अपन ने पानी छान के पी, अपन ने जो भी उपयोग में लिया पानी छान के लिया, लेकिन ऐसा नहीं, उसकी एक्सपायरी छने पानी की एक्सपायरी विद इन 48 मिनट्स, यदि 48 मिनट के अंदर अंदर उपयोग ले लिया जाए तो ठीक है, अन्यथा वो अनछने पानी के समान। तो फिर क्या करें, वापिस से हर 48 मिनट में छाने, छान सकते हो तो अच्छी बात, नहीं छान सकते तो उसके लिए दूसरा उपाय है, वो ये उपाय है कि उसकी मर्यादा बढ़ा ली जाए। तो मर्यादा दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, एक तो उसको गर्म करके, उसको गर्म किया तो गर्म करके उसकी 6 घंटे की मर्यादा बढ़ाई जा सकती है, और अच्छा गर्म कर लिया 12 घंटे की मर्यादा उसको, और यदि भात उपाल जितना गर्म कर लिया, भात उपाल मतलब भात, भात कहते हैं चावल को, जिस पानी में चावल बन जाए
मैंने उबलता है ना, जैसे भात उबलता है जब, तो उफनता है पूरा पानी, तो जिस पानी के अंदर चावल सीज जाए इतना उकालो, मैंने उबला हुआ जल जिसमें धुआं निकलने लग जाए, उसकी मर्यादा हो जाती 24 घंटे की। सबसे बढ़िया उपाय है इसलिए पानी की मर्यादा बढ़ाना, सुबह एक बार छान लिया और गर्म कर लिया, उबाल लिया उसको, तो वो 24 घंटे तक उपयोग में लाने लायक। तो 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद क्या करें, तो ठंडा हो जाएगा ना, 24 घंटे बाद क्या करें, फिर से छानना पड़ेगा। फिर वो पानी आप छान भी सकते हैं, फिर उस पानी के लिए जिनवाड़ी में कहा कि पानी केवल फेंकने लायक, कायदे से तो वो उसकी मर्यादा पूरी हो, 24 घंटे के पहले ही उसको जो वो तो छना है, मर्यादित है 24 घंटे के पहले पहले, तो उस तब तक अपन उपयोग में ले लें। यदि उपयोग में न ले पाए तो 24 घंटे होने के पहले पहले उसको धोल दें, ताकि 24 घंटे होने के बाद वो पानी पुनः छान के उपयोग में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसमें समूर्छन जीव पैदा होते हैं और उन जीवों को कहते हैं अलग करना अशक्य है। इसलिए वो पानी एक बार जो उबल गया, उबले हुए पानी को पुनः छान के काम में नहीं लिया जा सकता। जिनवाणी के साथ एक बार जो उबल गया पानी, वो 24 घंटे के अंदर उपयोग में ले लो, नहीं ले पाए तो फेंको, पहले पहले फेंकने, 24 घंटे होने के बाद फेंकोगे तो अनछने फेंकने का दोष लगेगा, 24 घंटे के पहले फेंक देंगे तो छना पानी का उपयोग होने का दोष लगेगा। छना पानी इतना करो, अनछना पानी एक बूंद डालो, एक अनछने पानी का भयंकर दोष है, बाल्टी भर के भी छना पानी उपयोग करे तो इतना दोष नहीं है जितना एक अनछने पानी की बूंद का उपयोग करने। शास्त्र में तो इतना लिखा है कि जो अनछने पानी से नहाते हैं वो तो समझ लो खून से नहाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ता हूँ इसके अंदर से, आपको थोड़ा इसका आनंद भी आएगा। इसकी फोटोकॉपी कराने जी, फोटोकॉपी लेगी। हाँ अभी दूसरा, हाँ दूसरा उपाय ये उसकी मर्यादा बढ़ाने का, उसके अंदर ऐसी कोई चीज डाल दी जाए जिससे उसका रूप, रंग मतलब वही रूप है अथवा रस है वो बदल जाए, उसका रस बदल गया, रूप बदल गया, तो उसकी 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। मतलब पानी का टेस्ट थोड़ा अलग आ जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो छने पानी को 48 मिनट के अंदर अंदर यदि ऐसी कोई चीज़ डाल दी जाए जिससे उसका रूप रस बदल जाए तो वो 6 घंटे और उपयोग में किया जा सकता है बिना गर्म के। यानी किसी को गर्म नहीं करना है और पानी की मर्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए ये उपाय, क्या उपाय है कि उस पानी के अंदर, छने पानी के अंदर लौंग है अथवा लौंग प्लस सौंफ है, चूना है, ऐसी कोई चीज़ डाल दे जिससे उसका रूप रंग रस और रूप बदल जाए तो 6 घंटे और उपयोग मिल जाए। 6 घंटे बाद तो फिर वो अंश नहीं के सुन, वो सब आएगी नहीं बात, ये बात है देखो है कि नहीं। इसमें दिया देखो छने पानी की मर्यादा 48 में, मैंने कुछ नहीं किया यदि अपन ने उसमें सौ लोग वगैरह कुछ नहीं डाला, गर्म नहीं किया तो 48 मिनट के अंदर अंदर उपयोग में ले लें, और यदि 100 लोग आदि डाल दिया 48 मिनट के अंदर अंदर तो 6 घंटे और नहीं नहीं उपयोग में नहीं दिया जा सकता, और फिर गर्म कर लिया तो 12 घंटे, थोड़ा गर्म किया तो 6 घंटे, ज़्यादा गर्म किया 12 घंटे, और उबाल लिया तो उबले पानी की 24 घंटे की मर्यादा। पानी को उबालने, अच्छा प्रश्न है वो, पानी को उबाल लिया ना अपन ने, तो अपन ने त्रस जीव की हिंसा से बच स्थावर से तो बच नहीं सकते ना। अब उबाल लिया तो उसमें रहेगा कि नए जीवोत्पत्ति नहीं हो, वो जो उबाला हुआ उबाला जाता है वो नए जीवोत्पत्ति न हो इसके लिए उबाला। ठंडा पानी होता है छना हुआ तो उसमें अंतर्मूलक बाद पुनः जीवोत्पत्ति हो सकती है, लेकिन वो उबाल लिया जाए तो उसमें नए जीव पैदा नहीं होंगे, और नए जीव पैदा नहीं होंगे तो अपने उपयोग में नहीं। जल की तो हिंसा हुई हुई है, उससे अपन बच नहीं सकते, जल से तो अपन 6 घंटे की मर्यादा हुई, हाँ उसको वापस उबाल सकते हैं क्या? देखो कायदे से तो उसको पानी को फिर उपयोग में 6 घंटे के अंदर अंदर उपयोग में, 6 घंटे अगर 5 घंटे वो उबाल दे तो 12 घंटे की मर्यादा हो जाती है क्या? इतना बारीक तो मैंने नहीं पढ़ा क्या इसका क्या सचित्त है, वो पानी सचित्त है जब तक गर्म नहीं किया, गर्म कर लिया चित्त कोई भी चीज़ उसके अंदर
सचित्त में रहते हैं, देखो उसमें जब तक गर्म नहीं किया है तो वो सचित्त माना जाता है, और उबाल लिया तो पानी अचित्त माना जाता है। जल जल का एक जीव नहीं है, पर अपना मूल प्रयोजन तो वो है त्रस जीव की हिंसा से बचना। उबाल लिया तो उसमें त्रस जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, स्थावर जीव की हिंसा तो, लेकिन जब उबाला तो उसकी तो हुई ना, तो होगी लेकिन वो इसलिए वो अपन करते ना, मुनिराज को देते, मुनिराज स्वयं नहीं उबालते, अपन ने किया उबाला, वो हिंसा अपन तो करते ही है, इसलिए अपने लिए इतना बड़ा दोष नहीं, और फिर उनको अपन देते हैं। तो वो जो उपयोग में ले रहे हैं वो अचित उपयोग में ले रहे हैं, वो सचित नहीं ले रहे। सर मैं ही बात, मैंने वो जो उबाल लिया उसमें अब जल का एक जीव भी नहीं, जल का एक जीव जब तक कच्चा था तब वो है, जैसे उबालने के अंदर फायदा ही फायदा। तो एक तो ये इससे क्या है कि मर्यादा तो बढ़ी जाती है, और दूसरी बात ये कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उबला पानी कहते हैं उसमें कोई कीटाणु नहीं होता, अच्छा पानी उबाल लिया जाए तो कोई कीटाणु उसमें रहते नहीं है, तो वो शरीर के लिए कभी कोई बीमारी पैदा नहीं करता। ये जो है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं वो लोग ये इसलिए करते हैं, बॉइल्ड वाटर की उन्होंने पिए, बॉइल्ड वाटर होगा आप तो पिएंगे, तो बॉइल्ड वाटर के अंदर कीटाणु नहीं ना। और अभी वो सब बात करेंगे अपन आरओ वालों की, जो ये आरओ वालों का जो पानी, इसमें जीव रक्षा नहीं होती, इसमें क्या होता है कि अनचना पानी आता है, और वो अनचना पानी की पूरी प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में कोई भी जीव हो छोटे छोटे वो सारे जीवों की हिंसा होती है। तो बाद में आप छानोगे तो प्रोसेसिंग तो पहले ही होगी उस पानी की, तो उसमें केमिकल तक निकाल लेते हैं तो जीव क्या बचेगा, इसलिए पहले छान लो और फिर उसमें डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर डाल भी दो तो वो पूरे समय गीला रहता है, बहुत सारी बातें हैं उसमें कि वो उसमें मतलब उसके अंदर आरओ का यूज़ करते हुए छना पानी पीना जिनवाणी के हिसाब से बहुत मुश्किल है। क्या इससे अच्छा तो ये है कि बरसात के मौसम में ऊपर का पानी इकट्ठा कर लो, तो बरसात के मौसम में उपयोग कर लो, उसकी जीवाणी में बरसात के पानी में डाल दो, तो वो फिर भी उसमें न तो इतनी जीव हिंसा होगी और ना वो शरीर को नुकसान करता है, उसमें केमिकल वगैरह कुछ नहीं होते जो बरसात का पानी है। दूसरी बात, कोई मोटर नहीं चलाई, कोई हिंसा नहीं थी ना, एकदम प्राकृतिक जो आया हुआ, नहीं कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ा उसके लिए। जितना TDS आरओ नहीं निकालता वो उतना, उससे भी कम TDS जो है ऊपर के पानी में आता, ऊपर का जो नेचुरल वाटर आता है उसमें देखना सबसे बढ़िया पानी होता है। अब देखो इसमें क्या क्या दोष है, थोड़ा सुन लो आप, इनमें लिखे ये अनचने पानी के दोष कहते हैं। लाख करोड़ों बेड़ों का तुरंत का पानी छान कर गिराओ, उससे भी एक इंद्रिय जीव मानने का पाप अधिक है। क्या मतलब कि आपने पानी के घड़े छने पानी के डाले, घड़े ढोल भी दिए तो भी इतनी हिंसा नहीं होगा जितनी एक अनछने पानी की, मैंने एक इंद्रिय जीव मानने का पाप। और एक इंद्रिय जीव मानने का जितना पाप है उससे भी असंख्यात गुना दो इंद्रिय जीव मारने का पाप, उससे भी असंख्यात गुना तीन इंद्रिय जीव मारने का पाप, उससे असंख्यात गुना चार इंद्रिय का, उससे असंख्यात गुना असैनी पंचेंद्रिय का, और उससे असंख्यात गुना सैनी पंचेंद्रिय के मारने का पाप। परिणामों की तीव्रता है ना, एक इंद्रिय के मारने मतलब एक इंद्रिय की हिंसा में इतने परिणाम क्रूर नहीं होते, और पंचेंद्रिय की हिंसा में परिणाम बहुत क्रूर होते। एक गाय को मारना या आदमी को मारना और उसको मार के खाना और एक वनस्पति खाना, अंदर परिणामों में बहुत अंतर है। तो पता करे ना, वो जिम्मेदारी, कोई अज्ञान से नहीं बच सकता भैया, पता नहीं हो मेरे को कोई गड्ढा है यहाँ, मैं गिर गया, मेरे को नहीं पता था, तो नहीं पता था तो वो पता कर लो। अज्ञान तो सबसे बड़ा दोष है, डबल दोष है उसको, एक तो वो गलती करी वो, और दूसरा अज्ञान था उसका। अज्ञान किसी चीज का उपाय नहीं, आप कहीं लोक में कह दो किसी जज के सामने, साहब मेरे को नहीं पता था हिंसा करने का, ये हत्या करने का इतना बड़ा दंड है, तो वो कोई आपको इसको फांसी मार, तो ये तो कोई बात ही ठीक है, नहीं उसको पता है तो उसकी गलती है। तो परिणामों में बहुत अंतर है। अरे मैं तो कहता हूँ एक इंद्रिय चीज, एक ही चीज खाता है एक इंद्रिय, जिसमें एक इंद्रिय की हिंसा हो रही है उसमें भी आप उसको उपयोग किस तरह से लेते हैं। जैसे सेमफल होता है, तो एक तो किसी का परिणाम होता है सीधा सेमफल लिया, धोया नहीं धोया, सीधे लिया और मुँह में भरा, और मुँह जा भी नहीं रहा है, ऐसे परिणाम क्रूर होगी बस कैसे भी करके खा।
उड़े कैसा है कि नहीं है, साफ करेगा, धोएगा शांति से उसका, उसको साफ करेगा मतलब उसको सुधारेगा, सुधार के चार फाक करेगा, एक एक फाक करेगा, देखेगा अंदर कोई जीव तो नहीं है, बराबर उसके छिलके निकाल, इतनी शांति रहेगी। तो इतनी क्रूरता नहीं है ना, खाने की आसक्ति नहीं है इतनी, इसकी तो इतनी आसक्ति कि अंदर कोई कीड़ा भी हो तो उसको भी खा जाएगा। और मतलब कितने खाने की कितनी लालसा है कि हम 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते, देर नहीं रह सकते, तीव्र राग का प्रतीक है। खाना अपने को भी है सिंपल, उसको भी खाना, लेकिन खाना खाने में अंतर है, यूं खाना और यूं खाना। तो ऐसे पंचेंद्रीय की हिंसा में और एकेंद्रीय की हिंसा में बहुत अंतर है। वनस्पति जो है, वनस्पति ये अन्न है, तो ये अन्न में और ये पंचेंद्रीय जीव में मांस में बहुत बड़ा अंतर है। सागर धर्मानंद ग्रंथ में एक ने तर्क दिया कि साहब हिंसा तो एकेंद्रीय की भी हो रही है और इधर मांस में पंचेंद्रीय की हो रही है, फर्क क्या पड़ रहा, हिंसा तो हो ही नहीं ना। उन्होंने कहा तुम लोक में इतने समझदार हो, हर जगह भेद करते हो, अपनी पत्नी और अपनी माँ दोनों स्त्री है ना, लेकिन इसमें भेद करते क्या करते, पत्नी भोग की हो सकती है, माँ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वहां तो तुम अंतर किया तुमने, और यहाँ कहते हो कि इसमें भी हिंसा है, इसमें भी हिंसा, अरे इसमें इतनी है तो इसमें इतनी है, अपन कम तो कर सकते ना किसी चीज को। तो बिल्कुल अविवेक की बात है कि हम तो यदि इतनी सी हो रही है तो हम तो भोग करें, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। इसलिए कह रहे हैं इसमें जितनी हिंसा है केंद्रीय में, उससे असंख्यात असंख्यात की पावर 5 गुना इसकी हिंसा है, पाप है सेनी पंचेंद्रीय की हिंसा। सो अंचने पानी के एक चुल्लू जल में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री सेनी असेनी लाखों करोड़ों जीव तो जैसे प्रकाश की किरण में आकाश में उड़ती धूल आमने सामने गमन करती दिखाई देती है, उसके सदृश 5 प्रकार के त्रस जीव पाए जाते हैं। किसमें? एक अंचने पानी की 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री असेनी पंचेंद्री से ये अवगाना होती है। एक्चुअली क्या इसका एक अवगाना का 4 समय है, सबसे छोटी अवगाना कितनी होती है पंचेंद्री सेनी, सबसे बड़ी कितनी होती है। तो पंचेंद्री सेनी जो पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं अवगाना छोटी होती है। कहते हैं गाय का जो दूध होता है ना, गाय और भैंस का, तो ये गाय और भैंस के कच्चे दूध की मर्यादा होती है अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर कच्चे दूध को अपन गर्म कर सकते हैं, अंतर्मुहूर्त तक तो उसकी मर्यादा है। और अंतर्मुहूर्त तक आपने गर्म नहीं किया तो उसके अंदर उसी गाय के आकार के सम्मूर्छन पंचेंद्री 3 इंच पैदा हो जाते, ऐसा जिनवाणी नहीं था, गाय के आकार के, गाय के भैंस के जिसका वो दूध था। और यदि गर्म कर लिया तो फिर 24 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे तक है दूध, है दूध कच्चे दूध। अभी तो दूध का तो समझ लो, दही का करना है जो एक जो चीज कर रहे हैं क्या, तो जो कच्चा दूध है अंतर्मुहूर्त से अधिक की मर्यादा नहीं है, अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर वो गर्म कर लेना चाहिए। लेके आता था इसलिए तो वो अपने खुद को निकाल के लाना चाहिए, मतलब आगम की जो मर्यादा होता है, या नहीं अपन खुद लेके नहीं आ सकते तो एक नौकर रखे उसको अच्छे से पैसे दे डबल तिबल उसको एक काम से देने, जो निकाले उसको भी अच्छे से पैसे दे, सब काम हो सकता है। जीव रक्षा मतलब जीव इंसान से बचना है तो बहुत सारे काम, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो डेयरी का आता है जैसा भी आ जाता है, वो तो ऐसे भी डेयरी का जो आता है तो वो डेयरी का या जो भी जो लेकर आता दूध वाला वो तो उसके अंदर पानी मिलाए बिना नहीं रहता। तो किसी ने बताया था कि पानी के साथ उसमें गिंडो गया है जो दूध आता दूध के, तो उसने पानी मिलाया और वो जो पानी था वो उसमें गिंडो ले थे तो दूध में आ गया। और कितने एक किसी ने बताया था कि एक गाढ़ा करने के लिए तो एक तरह का कोई जी होता है गिंडो का, तो वो उसके अंदर पर्पसफुली डालते हैं, उसकी पोटली रहती है उन कीड़ों की, तो कीड़े पोटली में भर के वो दूध में डालते हैं, तो उससे वो दूध जो है वो ज़्यादा होता है और फिर उसमें पानी डाल देते हैं ज़्यादा।
लोगों ने बताया हम तो खेल उसका दूध का पता नहीं क्या है कि ये सब तरीके ये लोग उपयोग में लाते हैं। इसलिए ये जो लेके आता है दूध वाला वो किसके कैसा आदमी है किस तरह का है वो ही जाने। बाकी सही चीज़ तो है कि अपनी आँखों के सामने दूध निकलवा के उसको अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर गर्म कर तो बराबर है। बाकी नहीं है ऊँट का दूध तो अभक्ष माना गया है अभक्ष केवल गाय का भैंस का बकरी का भी था बाकी ऊँट का दूध अभक्ष। खैर अपन तो पानी के ऊपर ही बात करोगे दूध को छोड़ने तो दूध भी छोड़ जाए। अंचने पानी के एक चुल्लू जल में दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री सेनी असेनी लाखों करोड़ों जीवों जैसे प्रकाश की किरण में आकाश में उड़ती धूल आमने सामने गमन करती दिखाई देती है उसके सादृश्य पांच प्रकार के क्लश भी पाए जाते हैं। सो स्पष्ट उजाले में दृष्टि से देखे तो ज्यों के त्यों नजर आते उससे छोटे जीव और उसके भी असंख्यात भाग सूक्ष्म अवगाना के धारक असंख्यात पांच प्रकार के त्रस जीव और भी पाए जाते हैं। इनकी अवगाना होती है अपन तो उस बात पर आते हैं इनकी अवगाना बहुत छोटी होती है। जिनागम में इनकी अवगाना कही है कि पंचेंद्रीय असेनी की सबसे छोटी अवगाना है शरीर की मिनिमम शरीर की हाइट को शरीर का जो पूरा अवगान शरीर जितने क्षेत्र को घेरता है उसको कहते हैं अवगान। ठीक है अपना शरीर का जो वॉल्यूम है उसका नाम क्या है अवगान। तो इनका जो सबसे मिनिमम जो इनकी अवगान है मिनिमम वॉल्यूम वो इतना छोटा होता है कि वो एक सुई की नोक जितने क्षेत्र के अंदर अनेक जीव आ सकते हैं। पंचेंद्री सेनी अपर्याप्त नहीं जो पर्याप्त होते हैं जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती उसके पहले ही मर जाते हैं वो ऐसे जीवों की अवगाना छोटी होती है तो वो छोटी छोटी अवगाना वाले जीव उसमें बहुत पाए जाते हैं। बड़ी अवगाना वाला तो होगा तो दिख ही जाएगा अपने तो वो दिखाई नहीं देते ऐसी छोटी अवगाना वाले जीव उसमें पाए उन्हीं की बात है। तो पंचेंद्री जीव तो गाय बैल तो कहाँ है एक अंचने पानी के अंदर गाय बैल आएगी कहाँ से। और यहाँ तक कि दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री ये भी जो पर्याप्तक है इनकी जगह में अवगाना भी इतनी होती है क्या अपने को आंखों से दृष्टि में आ जाए। वो तो जो पंचेंद्री जीव यहाँ बता रहे हैं वो अपर्याप्तक बता रहे हैं और अपर्याप्त में भी छोटी अवगाना वाले बड़ी अवगाना वाले दिख जाते हैं। सो छन्ने के एक एक छिद्र में असंख्यात त्रस जीव एक साथ पानी छानते समय निकल जाते हैं इंद्रिय से दिखाई नहीं देते अवधि ज्ञान व केवल ज्ञान गम्य है पुनः कोई पानी छानता भी है यानी कि छिद्र होता है ना उसमें जब पतला गन्ना होता है तो निकल जाता है मोटा होए तो रुके उसके अंदर ठहरे इसलिए पानी का जो छन्ना भी होता है तो मोटा होना चाहिए उसमें आएगा आगे थोड़ा कि भाई वो कम से कम पानी वहाँ ठहरता हो यदि वो ठहरे नहीं और तुरंत निकल जाए तो वो अनछने पानी की तुलिया छन्ना इतना मोटा होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश उसमें से निकल न पाए तो वो छन्ना छन्ना और यदि उसमें सूर्य का प्रकाश निकल जाता है तो वो पानी का छन्ना छन्ना नहीं होता। कोई पानी छानता भी है और जीवाणी जहाँ की तहाँ नहीं पहुँचाता है तो वह पानी अनछना पीना ही कहा जाएगा। इसका भावार्थ यही है कि एक चुल्लू अनछने पानी को अपने हाथों से ढोलने वर्तने में और पीने में औरों को पिलाने का पाप एक गांव के मारने समान है। इसलिए हे भव्य तुझे अंचना पानी पीना भाता है तो रक्त पीने के समान है। अंचने पानी से स्नान करना रक्त से स्नान समान है। रक्त की तुलना में अंचने पानी में बड़ा पाप कहा है सो रक्त तो निंदनीय ही है किंतु अंचने पानी के उपयोग करने में असंख्यात त्रस जीवों का घात है और जगत में निंदनीय है। महान निर्दयी पुरुष इसके पाप से भव भव में रुलता है नरक क्रियंश गति के क्लेश को पाता है संसार समुद्र से निकलना दुर्लभ हो जाता है इस समान अन्य पाप नहीं अधिक क्या करें। ये तो अनछने पानी के दोष हुए पानी की शुद्धता समझो कि कैसे छानना कैसे चाहिए कितना मोटा छन्ना होना चाहिए उसकी जीवाणु का डालना चाहिए सारी पूरी इसकी मैंने कल फोटोकॉपी लाके आपको सबको दे दूंगा।
भी आज तो सुन लो आप, पानी छानने की विधि, पुनः तालाब कुंड कम जल की बहती नदी, बिना जल निकला कुआ बावड़ी का पानी तो छना हुआ भी अयोग्य है। इस जल में त्रस जीवों की लाश आंखों से दिखाई देती है, इसलिए जिस कुएं का पानी चरस से व पनघट से निकलता हो उसके जल में जीव नजर नहीं आते। सो ऐसे जल के लिए कुएं पर स्वयं अथवा आपके विश्वास का आदमी जाकर दोहरा, मैंने सिंगल नहीं हो वो पानी का कपड़ा, वो कैसा होना चाहिए दोहरा और सपाट, मैंने उसमें बीच में कोई गठान नहीं हो, जॉइंट नहीं होना चाहिए उसमें, बिना गठान के मोटे छन्ने में पानी डाले जो एक क्षण रुका रहे तत्काल एक ही समय में छन जाए, अनुक्रम से धीरे धीरे छने, इस भांति छन्ने से पानी छानिए। और जिस छन्ने से छानिए छन्ने का प्रमाण कैसा है, उसका प्रमाण ऐसा है कि जिस बर्तन में छाने उसके मुंह से तिगना लंबा, जो मुंह होता है उसका, उसके मुंह से तिगना लंबा चौड़ा, तीन गुना लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए मुंह से, तिगना लंबा चौड़ा दोहरा करने पर सम चौकोर हो जाए, इस तरह का छन्ना डालना, और वो भी नया हो, मैंने ऐसा नहीं कि महीनों से चल रहा हो, इसको हाथ में ले तो एकदम ऐसे फट जाए, जैसे अपनी साड़ी होती है एकदम नई, ऐसा तो नहीं होती ना कि कहीं एकदम हाथ में ले तो फट जाए, हम बदल लेते ही बदल लेते हैं। तो छन्ने के अंदर तो और ज़्यादा सावधानी की जरूरत है, ये मतलब चल रहा है चल रहा, वो महीने में दो महीने जब भी मतलब वो थोड़ा भी यदि गल जाए तो वो वास्तव में बदल लेना चाहिए, वो फिर छना हुआ वो मतलब पानी जो है वो अनछने पानी की समान है, यदि वो छन्ना जैसा है गलना नहीं चाहिए कपड़ा, गल जाए तो बदल, अथवा बिना छना पानी कुआ से भरकर अपने घर पर ले जाए, समझ लो यदि वहीं नहीं छानना है तो अपने घर पर ले जाए, वहाँ यत्नपूर्वक भली भांति छाने, छानते समय अनछने पानी की बूंद आंगन में न गिरे और अनछने पानी की बूंद छने पानी में अंश मात्र भी न आए, इस भांति पानी छाने, अनछने पानी के हाथ को छने पानी से अनछने पानी के बर्तन में धो ले, मैंने अनछने पानी का हाथ को उसको छने पानी के बर्तन में डाल सकते, पहले धोए और फिर डाल सकते, और धोए गाय में वो अनछने पानी, जिस पीछे जिसमें पानी छानना है उस बर्तन को पकड़े छने पानी से तीन बार धोकर उसके मुंह पे छन्ना लगाए, यदि गीला है बर्तन अनछने पानी का गीला है तो उसको तीन बार धोना जरूरी है, और यदि वो सूखा है बर्तन तो एक बार भी धो दिया तो भी चल सकता है। बाएं हाथ में बाल्टी कटोरा अथवा तपेला रखे बाएं हाथ में, और जीमने वाले हाथ अथवा दाएं हाथ से पानी भरे बर्तन को धीरे धीरे ऊपर लेकर दूसरे बर्तन में डाले, मैंने उल्टे हाथ में बर्तन पकड़े और सीधे हाथ से पानी लेके उसमें डाल दिया, इस प्रकार अनुक्रम से थोड़ा थोड़ा छाने, पर अधिक छानना हो तो बर्तन उठाकर छन्ने के ऊपर धीरे धीरे डालें, पीछे अनछने पानी के हाथ को धोकर अगल बगल से सूखे छन्ने को पकड़कर उल्टा करें, पीछे छने पानी से जो अवशेष अनछना पानी रहे उस बर्तन में जीवानी करें, मैंने वो उल्टा करके और छने पानी से उसकी अनछने पानी के बर्तन में जीवानी करें, समझ में आया, तो मैंने वो जो पानी वो जिस कपड़े से अपने छाना तो वो कपड़ा जो है उस कपड़े को मतलब उस कपड़े को उल्टा करके और उसके ऊपर छना पानी डाला जाए, और छने पानी से पूरा वो जो जो भी पानी था उसके अंदर मतलब पहले का जो कुछ पानी था वो छने पानी से निकल जाए और वो अनछने पानी में आ जाए, इसका नाम है जीवानी करना, उल्टा रख के उल्टा रख के एक बार और डाल दिया जाए उस पर, ताकि पूरा पानी उसमें से अपन जो है जो उसको जीव थे मतलब उसमें अलग एक बर्तन के अंदर अनछने पानी के बर्तन में किसी और दूसरे बर्तन में ऐसे कैसे आ जाए, ये तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात है मतलब वो गन्ना पूरी तरह से छने पानी से धुलना चाहिए और वो अनछने पानी के एक अलग बर्तन में धुलना चाहिए, या तो उस पानी में पहले का अनछना चले या सूखा हो तो उसको चल जाए। मध्य में जीवाणी की तरह चारों ओर से छन्ना न पकड़े, मैंने जब जीवाणी जहाँ जहाँ पानी डाला था बीच में वहाँ हाथ में लगाए, हाथ लगाए चारों ओर तरफ और फिर बीच के स्थान को छने पानी से साफ करें,
पश्चात चार पहल व आठ पहल की जीवाणी एकत्रित कर, चार पहल की मैं 12 घंटे अथवा 24 घंटे की जीवाणी एकत्रित कर जिस कुएं से जल लाया हो उस कुएं में पहुंचा दे, जहां से लाया वहां से पहुंच लीजिए। तो जो जीवाणी है, तो जीवाणी जहां का पानी है वहां पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो जो जल के जीव है वो उसी जल में लेके जीवित रह सकते हैं, वो अन्य वातावरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। ये उदासीन आश्रम का कुआ है ना, ये बहुत साल पहले ये सूखने लगा, तो पानी इसका कम पड़ने लगा, तो उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां वगैरह थी। तो पंडित जी है, तो पंडित जी ने बताया मेरे को रतनलाल जी पंडित साहब ने किस्सा, छोटी छोटे जो उसमें मछलियाँ वगैरह थी, तो उन सब ब्रह्मचारी लोग जो थे तो उन पर विचार आया कि भाई ये कहीं मर नहीं जाए, मतलब बहुत सालों पहले की बात है, उनमें से पंडित जी हैं और भी कोई जीवित होगा तो उन्होंने, तो बोले ये सब मछलियाँ मर जाएंगी और भी जो जीव मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे पानी को बड़े यत्न से उसको बाहर से निकाल, जिससे मछलियाँ वगैरह मरे नहीं, तो नीचे जाके उसको बर्तन में डाल के और कोई मछली नहीं मरे इसे निकाल। अब करें क्या इसका, तो वो पास में जो मंदिर है कल्याण भवन मंदिर, वहाँ पे भी कुआ था, तो उन्होंने वो सारे पानी को उस कुएं के अंदर डाला और पंडित साहब बताते हैं कि आधे घंटे के अंदर वो सारी मछलियाँ ऊपर मरी हुई एकदम ऊपर की ऊपर गिर थी, सबके सब मरे, वो सहन नहीं कर पा, वो जब तक उस बर्तन में थी, उन बर्तनों में तब तक कुछ नहीं हुआ था, जिंदा थी आराम से। और जैसे ही उस ज़्यादा पानी वाले में डाला कि भाई यहाँ और अच्छे से रह जाएगी, तो पानी उनको सहन नहीं हुआ हुआ था, और जबकि कितनी दूर है वो दोनों, ज़्यादा दूर नहीं है, उन दोनों में जरा सा अंतर 50 मीटर का, लेकिन वो उस कुएं का पानी का जल के जीव उस कुएं के जल में नहीं पहुंचे, जिंदा रहे। इसलिए कहा उन्होंने जहाँ से जल लाया जिस कुएं से उसी कुएं में डाल दिया, इधर उधर के कुएं में नहीं। बाल्टी या लोटा के उल्टी तरफ कड़े में 5-7 अंगुल की लकड़ी कड़े में फंसा कर आड़ी लगा कर बांधे, पीछे लकड़ी के सहारे से लोटा सीधा चला जाए, कुआ के अंदर जल के ऊपर लोटा पहुंचे तो ऊपर से डोर हिला दे, पश्चात उस लोटा से लकड़ी निकाल ऊंधा होकर ऊपर तक खींचता चला आवे, इस बात की जीवानी पहुंचा। देखा है किसी ने क्या होता है, जो बाल्टी होती है उसके पेंदे में एक कड़ी लगाते हैं, और वो कड़ी लगा के और फिर वो जीवानी उसके अंदर डाल के, मतलब सूखी बाल्टी में जीवानी डाल के और फिर वो नीचे पहुँचाते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा हिलाते हैं, तो वो हिलाते हैं तो जो ऊपर की कड़ी थी वो निकल के, वो जो पेंदे वाली कड़ी थी उस पेंदे वाली कड़ी के सहारे से बाल्टी ऊंधी होते हुए उल्टी होते हुए आ जाती है, तो वो जो पानी था वो पानी उसके अंदर अपने आप शांति से उसमें चला गया। हाँ, मतलब अपने बाल्टी को पहले सीधे पहुँचाया और जब लाए तो उल्टी ले गया, और सीधे पहुँचाने के बाद मतलब पहले पानी उसके अंदर पूरा मिक्स हो गया और फिर अपन उसको उल्टी करके ले आए, तो उसमें ऐसा भी नहीं कि अपन ने जो जीवानी थी उसको ऊपर से फेंक दिया, वो ऊपर से भी फेंकोगे तो मतलब नीचे जीव जाने में पड़ जाएगी। मतलब कितनी कितनी बारीकी से वर्णन किया है, कितनी सावधानी रखी है। आज जो ऊपर से डालते हो तो दीवार पे जाएगा पानी, दीवार के अंदर दीवार से लगेगा तो जीव मर जाएंगे, ऊपर से फेंकोगे नीचे तक जाएगा तो मर जाएंगे। जीवाणी भी डालना है तो बराबर नीचे पहुँचा के वो बिल्कुल शांति से धीरे से उसके अंदर अपना चले जाए। अभी एक मिनट पहले बोरिंग वोरिंग की बात कर रहे हैं, एक कर तो समझ आ जाएगा। हाँ, जीवाणी थोड़ी छानी जा सकती, कपड़ा अंतर कपड़ा सूखना नहीं चाहिए, कपड़ा जो है सूखना नहीं चाहिए। जैसे छन्ना में अपन ने छाना तो वो छाना तो वो उसमें पानी निरंतर रहना चाहिए, यदि वो सूख जाएगा तो वो जो जीव थे उसको कैसे जिंदा बचेगा, वो तो मर ही जाएगी ना, पानी उनका जीवन है, तो पानी सूख जाएगा तो वो कपड़े के अंदर ही अंदर बेचारे मर जाएंगे। गन्ना गीला रहना चाहिए, और नहीं तो गीला है उसके पहले जीवानी कर लो ना, उसको ऐसे ही क्यों रखते हैं, फटाक से जीवानी कर लो, मतलब गीला है तब तक तो चल सकता है, लेकिन जहाँ सूखने लग जाए वो तो जीव सा हो जाएगा। बोरिंग वोरिंग का पानी छन्नी नहीं है, अथवा इस भांति ना पहुंचाया जा सके। अभी एक बार सही तरीका सही विधि सुन लो अपन, फिर अपन क्या है उसके बाद में अपनी प्रैक्टिकल समस्याओं का समाधान बाद में करो। अथवा इस भांति ना पहुंचाया जा सके तो सारा पानी प्रभात में छानिए, जीवाणी एकत्रित कर पानी भरने के बर्तन में उड़ेलिए,
तो पनिहारी के सपोर्ट कीजिए, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो पनिहारी के सपोर्ट करो। पनिहारी मतलब तो आजकल जो पनिहारी है, आजकल पनिहारी को पानी भराई के महीने के सिवाय दो टका और बढ़ाई है ना। उस जमाने में टका दो टका चलते होंगे, मुसलमानों का जमाना दिखता है टके दो टका, तो कह रहे उसके पैसे बढ़ा लो, उसके टका दो टका और बढ़ाइए। और उसे इस तरह कहिए ये जीवाणी सीधे से जाकर कुएं में डाल देना, बर्तन ऊंधा कर उपयुक्त विधि से, उसको विधि दिखा के मार्ग में वो ऊपर से कुएं में जीवाणी मत डालना, रास्ते में मत डालना और कुएं में ऊपर से मत डालना, अन्यथा डाल दी तो तुझे पानी भरने के काम से अलग कर दूंगा। इतना कहकर भी पीछे दो चार बार गुप्त रीति से उसके पीछे गली में जाकर ठीक से देखिए। हिंदुस्तान के नौकर है वो तो 250 साल पहले भी ऐसे थे। इस भांति पूर्व में कहे अनुसार जीवाणी सीधे कुएं में उतारना, इसी तरह कुएं में उतारती है तो उसकी विशेष प्रशंसा करना और टके दो टके की गम खाना और थोड़ी और उसकी सैलरी करना, उसे पाप का भय दिखाकर इसी भांति जीवाणी पहुंचवाना, उसे छना पानी पीना कहिए। और पूर्ववत जीवाणी न पहुंचे तो उसे अंचना पानी पीना कहिए, वह शूद्र समान कहिए। जिन धर्म में तो दया ही का नाम क्रिया है, दया बिना धर्म नाम नहीं पाता। जिसके हृदय में दया है वे ही पुरुष भव समुद्र से तिरते हैं। इस भांति पानी की शुद्धता का स्वरूप जानना। अब बोलो किसी के कुछ प्रश्न, जैसे अपना समय हो गया, क्या प्रश्न होता बोरिंग के पानी की जीवाणी नहीं होती है ना, इसलिए वो वास्तव में जीवाणी नहीं है कि कैसे होगा। देखो अभी अपन जो है कोई कुछ नहीं करता हो, जैसे कोई कहे कि भाई बोरिंग का है, इसका है, नल का है, तो अभी अपन वहाँ तो जीवाणी पहुँचा नहीं सकते। तो इसका एक है कि भाई नई मामा से काना मामा अच्छा, सर्वथा अंचना पानी पीना वो तो महा अनाचार है। मैंने जो पानी आदमी छानते ही नहीं है, कोई गन्ने वन्ने का काम नहीं, सीधे अंचना पानी पीता है, वो तो पशु के समान है। अब इतना कर सकते हैं कि जो नल से आ रहा है तो जहाँ नल से पानी गिरता हो उस स्थान पे जीवाणी डाल दें। ये मैं सब आपको मैंने एक वो वैकल्पिक व्यवस्था है। सबसे उत्तम तो ये है कि कुएं का पानी लेके आए, और कुएं का पानी भी कोई ये गाड़ियों घोड़ों पे नहीं, स्वयं पैदल चल के जाए और पैदल चल के लेके आए, सामने हाथ चार हाथ आगे की जमीन देख के जाए, चार हाथ आगे की जमीन देख के लाए। तो गाड़ी से गाड़ी से तो अभी बरसात के दिनों में इतने छोटे कीड़े सामने के सामने कीड़े चला होते हैं, खूब मकोड़े वो सामने के सामने चलते दिखते हैं। तो गाड़ी घोड़े से तो यूँ हिंसा हो रही है, जो अपना प्रयोजन है हिंसा का वो तो फल ही नहीं जा पा रहा है ना। और एक तरफ तो जल के भी इतने छोटे छोटे जीव की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गाड़ी घोड़े की इतनी स्थूल हिंसा को भी नहीं पाल रहा, क्योंकि गाड़े घोड़े में बहुत हिंसा है, एक पैदल चलने में और एक स्कूटर से चलने में भी बहुत हिंसा है, और दो पहिए में हिंसा है तो चार पहिए में भी कितनी हिंसा है। जब दया की बात है तो बात तो अपने को सब तरफ से देखनी पड़ेगी ना, कोई रूढ़ी का नाम तो धर्म है नहीं कि हाँ भैया अपने को तो पानी छान के पीना है तो क्या करना, एक कार भेज दी ले आना वहाँ से, और बाकी पानी छान के उसको कार भेज दिया और वहाँ से ऊपर डाल देना है जैसे डालना डालना, वो नहीं भाई। हर जगह वास्तव में जिसको दया पालनी होगी तो वो तो हर चीज़ में विवेक करेगा कि भाई इससे जितने जितनी हिंसा से बच सके उतना अच्छा। तो अब यदि सर्वथा कोई कुएं से न ला पाए तो वो जहाँ नल से भर रहा हो वहाँ नल के वहाँ जीवाणी कर दो, बोरिंग से जहाँ ला रहा हो तो बोरिंग के पानी है तो बोरिंग का जहाँ पानी आता है जहाँ से वहाँ जीवाणी कर दो। जैसे उसमें पूरी जीव हिंसा तो पल नहीं सकती, पूरी जीव रक्षा तो पल नहीं सकती, लेकिन कम से कम पानी छानेगा तो अनछने पानी की अपेक्षा तो बेहतर है, एक संस्कार बना रहेगा। और छानी पीना पानी जो है छान के पीना चाहिए, ये परंपरा बनी रहेगी। पहले दूध भी मैंने बताया ना, पहले दूध भी कपड़े से छलता था और अब पानी भी प्लास्टिक की छन्नी से छलने लगा, तो सब अनछने पानी के समान है। मूल विधि तो यह है, बाकी जो भी अपन कर रहे हैं वो सब अपने से जहाँ है कि जहाँ से पानी आ रहा हो वहीं उसकी जीवाणी डाल दो, इतना अपन बच सकते हैं। ठीक है, और कुछ